बड़े भाई श्री चौहान जी जो भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं और सचिव होने के साथ साथ हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी भी हैं। आज वो विशेष रूप से अम्बाला पधारे हैं और खास तौर पर आप पत्रकार भाइयों से बातचीत करने के लिए, तो मैं अनुरोध करूँगा उनके साथ शांतनु चौहान जी हैं जो अम्बाला प्रभारी हैं, मेरे साथ रुद्र प्रताप सिंह राणा जी हैं जो यमुनानगर युवा कांग्रेस के प्रधान हैं, अभिषेक जी हैं, सतीश जी हैं। मैं अब श्री चौहान जी से अनुरोध करूंगा कि वो आपसे जिस विषय में आए हैं बात करने वो बात करें और मैं और आप सब पत्रकार भाइयों का बहनों का यहाँ पर स्वागत और धन्यवाद करता हूँ जो आप अपने कीमती समय मैंने निकाल कर हमारे बीच में आए। युवा कांग्रेस का जिला प्रभारी होने के नाते आप सबका यहाँ पहुंचने पर बहुत धन्यवाद करता हूँ और आज हमारे बीच हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रभारी जिस मुद्दे को लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में, जो 26 तारीख को हरियाणा और पंजाब जो किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ जो मोर्चा खोला हुआ है, उस मोर्चे को तन मन धन से कंधा मिलाकर जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें आदेश दिए हैं उनके निर्देशानुसार युवा कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर किसानों की इस लड़ाई में दिल्ली की तरफ जो मोर्चा चलने के लिए तैयार है उसके अंदर हम अपना पूरा सहयोग देंगे। और इस वार्ता का जो खास कारण है वो यही है कि आप लोगों को शिवी जी बताएंगे कि किस प्रकार से हरियाणा युवा कांग्रेस के हर सिपाही का क्या योगदान रहेगा इस आंदोलन में। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी नमस्कार। पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि थोड़ा सा विलंब हुआ, थोड़ा सा जाम में फंस गए थे। साथियों, जैसा कि आप भलीभांति परिचित हैं कि पिछले कुछ महीनों से हमारे देश का किसान सड़कों पर है। ये वो किसान है जो अपने खून पसीने की मेहनत से इस देश को संजोता है। जब किसान उगाता है तभी हम लोग खाते हैं और हमारे देश के जवान बॉर्डर पे जो खड़े हैं उसमें भी किसानों का अहम योगदान रहता है, क्योंकि बहुत सारे किसान जो हैं किसान साथी हमारे हैं वो भी आर्मी में हैं। और भाजपा की सरकार जब से काला कानून लाई है हमारे देश के किसान सड़कों पर। दो तीन मुद्दे हैं, एक तो आने वाली 26 तारीख को जब किसान मूवमेंट करेंगे दिल्ली की तरफ तो पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे युवा कांग्रेस के साथी वॉलंटरी तौर पे काम करेंगे हर प्रकार से उनकी सहायता करने की, क्योंकि युवा कांग्रेस के साथ साथ हमारे साथी किसान भी हैं। मैं खुद एक किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूं और हमारी भाजपा सरकार से दो तीन तरह की डिमांड है कि आप MSP के मुद्दे पर किसान आज धंधे पे बैठे हैं। आप कहते हैं कि MSP पूरा मिलेगा। भाई आज आप कह रहे हैं MSP मिलेगा, लेकिन आप बिल में प्रावधान क्यों नहीं लेके आए? उस बिल में आपने क्यों नहीं नोटिफिकेशन की कि MSP आपको पूरा मिलेगा? और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि भैया किसान को अपनी शिकायत के लिए डिप्टी कमिश्नर या SDM महोदय के पास जा सकता है, लेकिन आपने उसका प्रावधान कोर्ट का क्यों नहीं किया? आज प्रशासनिक अधिकारी को तो कोई भी नेता मंत्री कोई भी बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज दबाकर किसानों पर मार लेगा। मंडियां आप खत्म कर रहे हो, हर चीज आप किसान विरोधी ला रहे हो। जो इससे पिछला कानून था उससे कांग्रेस खुश था, अपना किसान खुश था, खुशहाल था, लेकिन इस कानून के आने के बाद किसान की जिंदगी उस दिन से काले दिन की तरह हो गई। और हमारी भाजपा सरकार से भी यही मांग है कि इस बिल को वापस किया जाए, इस बिल में कुछ अमेंडमेंट की जाए, नहीं तो भारतीय युवा कांग्रेस पूरे देश में, और मैं खासकर हरियाणा का प्रभारी हूं तो मैं हरियाणा की बात करूंगा, हरियाणा प्रदेश में युवा कांग्रेस की टीम हर जिले में विधानसभा स्तर पे प्रदर्शन करेगी जब तक ये बिल वापस नहीं किया जाता। बाकी आपके किसी मीडिया साथी के कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। कब से शुरू करेंगे प्रदर्शन? ये 26 तारीख के बाद हम इसके ऊपर अभी हम बैठ के चर्चा करेंगे, आदरणीय लीडरशिप के से जिस तरह के दिशा निर्देश आएंगे उसके बाद हम इसकी शुरुआत करेंगे, विधानसभा स्तर और जिला स्तर से शुरुआत करेंगे और इसको हम पूरा ब्लॉक वाइज तक हम इस प्रदर्शन को लेकर जाएंगे अगर ये भाजपा की सरकार ही काला कानून वापस नहीं आता।
नदी विवाद के चलते पंजाब और हरियाणा के किसान अलग अलग हैं, उसके मामले में आप लोगों की क्या विचार है कांग्रेस युवा कांग्रेस की? देखिए वो एक मुद्दा इससे आज जो हमारी जो वार्ता है इससे हटके मुद्दा है, मुद्दा तो है सर। नहीं देखिए आपका मुद्दा ठीक है लेकिन उसके बारे में मुझे इतनी भी जानकारी भी नहीं है क्योंकि मैं भी अभी कुछ महीने पहले हरियाणा का मैंने प्रवास सुना है उसके लोग कांग्रेस होते हैं, लेकिन आज का जो हमारा विषय है हम उस विषय पर चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी अभी और बाकी तो हमारे युवा कांग्रेस के साथियों ने अभी कई मुद्दे उठाए, इसमें किसान बिल को लेकर भी कई धरने प्रदर्शन किए हैं और हमेशा आगे भी निरंतर वो जारी रहेंगे और सीधे कांग्रेस के साथ भी मिलकर युवा कांग्रेस के हमारे साथी हर प्रदर्शन में किसान विरोधी जो प्रदर्शन होते हैं उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और कहीं लगता है कि बड़ौदा के चुनाव में किसान आंदोलन और किसान प्रॉब्लम के कारण कांग्रेस जीती है वो फैक्टर काम किया आपको? बिल्कुल काम किया, तो देखिए आपके सामने जनता का जनादेश है, भाजपा में मुंह पे तमाचा मारा है हमारे किसान भाइयों ने क्योंकि वो ज्यादातर जो बैठ है बड़ौदा वो औद्योगिक हब ना होकर एक किसानी वाला एरिया आता है और किसानों ने अपना समर्थन देके जता दिया है कि किसान इस सरकार से बड़ा दुखी है। देखिए हमारे हर विधानसभा स्तर पे जिला स्तर पे और प्रदेश स्तर पे यूथ कांग्रेस की बॉडीज बनी है, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ते हैं और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हरियाणा में सबसे अच्छा काम करें कोविड महामारी से लेके हर किसी भी कार्य में या कोई भी संगठन का जो भी कार्य होते हैं उसको हरियाणा युवा कांग्रेस अच्छे से निभा रही है, चाहे वो दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में भाग लेने की बात हो किसी भी धरने प्रदर्शन में, हरियाणा युवा कांग्रेस की टीम हमारी पूरी है और हमेशा अच्छे से काम कर रही है। डाटा पूछा है, ये तो हमारी क्या है मेंबरशिप, हाँ मैं बताता हूँ ये हमारी मेंबरशिप होती है, ये तो लाखों में मेंबरशिप हमारी होती है प्रदेश कार्यकारिणी के। आप जो मैं आपकी बात को यहाँ पर शुरू करती हूँ, आप कह रहे हो कि लाखों की मेंबरशिप है, वो लाख क्या हजार की नहीं दिखाई, सौ की नहीं दिखाई, जैसे कहीं प्रदर्शन होता है तो कोई गिनती के पचास नहीं नहीं जब दिल्ली में प्रदर्शन होते हैं तो हमारे यहाँ बड़े प्रदर्शन करे हैं, यहाँ मनीष राणा जी बैठे बताएंगे नहीं, आज की डेट में मैं बोलता हूँ आज हमने कोविड के कारण अभी कम लोगों को हमने बोला, सिर्फ हमने जो पदाधिकारी है सिर्फ उनको ही बुलाया है और किसी को हमने इन्वाइट नहीं किया क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, ये कोई धंधा प्रदर्शन नहीं, सिर्फ एक आप पत्रकार बंधुओं से एक आपके माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते थे उसके लिए आज हमने। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से माननीय राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन तैयार किया जा रहा है जिसके अंदर हस्ताक्षर अभियान चला है बड़ी पहुंच में, तो जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष जयंत कुमारी जलजा जी के दिशा निर्देश पे अम्बाला युवा कांग्रेस ने उसमें भी पार्टिसिपेट किया है और लगभग अम्बाला कैंट से युवा कांग्रेस के द्वारा 4000 हस्ताक्षर करवाकर ज्ञापन के रूप में वो उनको सौंपे गए। अब ये ज्ञापन ऑल इंडिया की तरफ से इकट्ठे कब दिन है वो हमें नहीं पता, मगर हमने अपनी तरफ से जो हमारी जिम्मेदारी होती थी अम्बाला युवा कांग्रेस की तरफ से खास करके अम्बाला कैंट की तरफ से वो हमने उसको पूरी करी जो राष्ट्रपति जी के नाम है ज्ञापन दिया। देखिए खाने पीने की सामग्री से लेकर पानी की व्यवस्था है, इस तरह की व्यवस्था अगर जरूरत पड़ेगी जहाँ जिस तरह की भी जरूरत पड़ेगी युवा कांग्रेस साथी हर व्यवस्था के लिए वहाँ पे मौजूद है। आज हम पहुंचे कांग्रेस दफ्तर के अंदर राष्ट्र की सचिव आईने सभी सिवाजी से बात करते हैं, आज सभी झंडा जो आप पहुंचे थे जिससे आज यहाँ पर आपका झंडा हमारे किसानों के लिए जो किसानों के विरुद्ध भाजपा की सरकार ये काला कानून लाई है हम इसका विरोध कर रहे हैं और भारतीय युवा कांग्रेस हमेशा इसका विरोध करेगी जब तक ये काला कानून वापस नहीं लाया जाएगा और जो 26 तारीख को आने वाले 26 तारीख को जो किसान भाई हमारे जो दिल्ली कूच कर रहे हैं उसके लिए हमारा युवा कांग्रेस का पूरा समर्थन उनको है और हमारे युवा कांग्रेस साथी हर तरह से उनके उस प्रदर्शन में साथ हैं और अगर भाजपा की सरकार ये अपना काला कानून वापस नहीं लेती तो विधानसभा स्तर से जिला स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे, प्रदेश स्तर पर भी प्रदर्शन हमने पीछे किया था ट्रैक्टर रैली के दौरान और अभी विधानसभा और जिला स्तर पर भी ये प्रदर्शन किए जाएंगे। बड़ौदा को जो चुनाव हुआ उसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? जनता को देना चाहते हैं नहीं, खासतौर पर उचित अधिकारियों को? देखिए लीडरशिप की तो हमेशा रहती है, लीडरशिप तो देखिए हमारे लिए तो सारी लीडरशिप सरमानी और सभी लीडरों का अपना योगदान रहा है, सभी लीडर ने और भारतीय युवा कांग्रेस के और कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता ने अपनी पूरी जिम्मेवारी निष्ठा से निभाई है
और जो जीत का सहरा है वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के सिर बंद है। नगर निगम का चुनाव निकट आ चुका है, उसके लिए आगे क्या रणनीति है कुछ इसके बारे में बताएंगे? नगर निगम के लिए अभी हम जब दोबारा इसका दौरा करेंगे उसके लिए युवा कांग्रेस के जो साथी हमारे सक्षम होंगे या जो पार्टी हाईकमान से बात करके जो साथी हमारे सक्षम होंगे हम देखेंगे कि कहां पे सक्षम है उसके लिए, बाकी तो जो लीडर का हाईकमान का आदेश होगा वो सर्वमान्य। देखा आपने यहाँ पहुंच चुके कांग्रेस के हरियाणा के सचिव सेठ जी, उनसे मुलाकात करी और उन्होंने बताया आज का जो एजेंडा था उसके बारे में बताया। हरियाणा के अध्यक्ष संजय शर्मा, उनके सहयोगी अमित तिवारी।